नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं बोल बुल बुल। दोस्तों, स्विच गियर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसी वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर मुझे दिखा दीजिए कि एक्चुअल में स्विच गियर कैसा होता है। तो चलिए आज का वीडियो में स्विच गियर को अपने आँखों से देख लीजिए, स्विच गियर कैसा होता है। पूरा स्विच गियर एक ओपन स्विच गियर, चारों तरफ से हमने इसको खोल दिया है। ये देखिए स्विच गियर का इनकमर, जहाँ पे थ्री फेस सप्लाई आता है स्विच गियर को इनकमर। ये जो येलो वाला दिखाई दे रहा है, तीन येलो, वो सीटी है दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर है। इससे हम पता लगाएंगे कि कितना करंट ले रहा है। तो दो इनकमर है यहाँ पे, देखिए। तो हमने ये पैनल को खोलने से पहले हमने इसको पूरी तरह से डिस्चार्ज कर दिया है, अर्थ रॉड लगा के। जैसा आप देख रहे हैं, आपके सामने एक अर्थ रॉड लगा हुआ है, उसका अर्थ रॉड का वायर हमने अर्थ पर लगा दिया है। तो जब भी आप किसी पैनल को खोलें तो हमेशा यही ध्यान में रहे कि उसको सही तरीके से अर्थिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। डिस्चार्ज रॉड लगा के आप उसे अर्थिंग कर सकते हैं। ये देखिए पूरा डाउन बॉसवार है दोस्तों, ऊपर से नीचे तक पूरा बॉसवार गया है, और ऊपर में रहेगा इसका मेन बॉसबार रहेगा, जो इनकमर आया है। इनकमर केबल जाके लगता है कहाँ पे, ये देखिए ब्रेकर पे लगता है, ब्रेकर का प्राइमरी साइड पे लगेगा इनकमर केबल। फिर हम जब इसको ब्रेकर को ऑन करेंगे तो ये जाके बॉसबार को पूरा चार्ज कर देगा। ये आपके सामने एक ब्रेकर है, 800 एम्पियर का ब्रेकर। जैसा मैंने स्विच गियर का वीडियो में आपको सब समझाया था कि वोल्ट मीटर एमीटर भी होते हैं स्विच गियर में। देखिए वोल्ट मीटर एमीटर, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कितना वोल्टेज का ये बोर्ड है और कितना करंट ले रहा है, लोड कितना पे है, कितना लोड ले रहा है, करंट कितना है। ये तीनों देखिए, ये उसका पीटी है दोस्तों, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से फिर ये जाके वोल्ट मीटर पे लगेगा कनेक्शन, तो उससे पता चलेगा कितना वोल्ट का ये स्विच बोर्ड है। इसके अलावा दोस्तों ब्रेकर में रिले लगे रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रेकर पैनल में रिले भी लगे होते हैं। ये रिले ट्रिप कमांड देता है ब्रेकर को, मेनली रिले का फंक्शन है, ब्रेकर को ट्रिप कमांड जाएगा, रिले से जाएगा। तो ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिले सब लगे होते हैं है। और इसके बाद हम चले आए एक मॉड्यूल पे, चले आए दोस्तों। ये देखिए मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर आपने देखा होगा, जो नहीं देखे हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से इसे देख लीजिए। मॉड्यूल में देखिए फ्यूज है, कॉन्टैक्टर है, रिले, ये देखिए फ्यूज है। फ्यूज किसके ऊपर है, स्विच फ्यूज यूनिट में है फ्यूज। फिर MNX 110 ये वाला है, कॉन्टैक्टर है, इंडिकेशन लैंप है, स्विच है, ये देखिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स, और ये वाला आ गया आपका ट्रांसड्यूसर, MCB है। तो ये सब एक मॉड्यूल के अंदर रहता है। तो स्विच गियर में और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहते हैं, जैसे जैसा कि इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बस बार को सपोर्ट करने में इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए ये सभी मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल के अंदर भी बस बार है। जहाँ ये देखिए दोस्तों, जो रेड वाला सब दिखाई दे रहा है आपको, ये सब सपोर्ट इंसुलेटर है। सपोर्ट इंसुलेटर के ऊपर ही हम रखे हैं बस बार को, रखा जाता है। देखिए दोस्तों, दो सपोर्ट इंसुलेटर के बीच में बस बार है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका मन में जो डर रहता है इलेक्ट्रिकल का काम कैसे करना है, तो वो डर थोड़ा सा हट गया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आगे भी आप इसी तरह का वीडियो देखेंगे, मैं बहुत सारे वीडियो सब लाने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जितना सारा वीडियो आए आप उसे आसानी से देख सकें।